हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वीडियोनिक। कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ होली के टिप्स, ब्यूटी टिप्स जो आपके हेयर के लिए एंड स्किन के लिए होंगे और जो आपको पसंद भी आएंगे आई होप। तो अगर आपको होली खेलना पसंद है, बस आप स्किन के लिए एंड बालों की वजह से नहीं खेलते हैं कि आपकी स्किन खराब हो जाएगी, बाल खराब हो जाएंगे, ड्राई होंगे, टूटने लगेंगे, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। तो टिप्स नंबर वन कि अगर आप एक दिन पहले तो आंवले को गला के रख दें, आंवला जो सूखा आंवला होता है ना उसको एक दिन पहले पानी में गला दें एंड अपने बालों में अच्छे से मसाज करें। कोशिश करना ऑयली, जो भी ऑयल आप अपने बालों में लगाएं तो वो थोड़ा सा ऑयली स्टिकी हो जिससे कि ड्राई ना हो आपके बाल, है ना। एक दिन पहले सरसों का तेल सबसे बेस्ट रहेगा, तो आप सरसों के तेल से अपने बालों को मसाज कर सकते हैं अच्छे से एंड सुबह जिस दिन होली होगी उस दिन भी आप एक बारी फिर से अपने बालों पर लेंथ पर लगा लें उस ऑयल को, जिससे कि जो भी कलर होगा आपके बालों में नहीं जाएगा। और हाँ, अपने बालों पर लगाने के बाद उनको जूड़ा बना लेना ताकि अगर वॉश भी करोगे तो उलझेंगे नहीं आपके बाल, है ना। एंड टिप्स नंबर दो, जब आप अपने बाल को वॉश करेंगे तो ठंडे पानी से वॉश ना करें, गर्म पानी या गुनगुना पानी लें। एकदम गर्म ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा गर्म आप यूज करेंगे तो आपके बालों में डैंड्रफ हो सकता है, तो आप गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं जिससे कि कलर अच्छे से निकल जाएगा। ठंडा पानी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ठंडा पानी यूज करेंगे तो वो कलर जो है ना वो चिपक जाता है अच्छे से। और शैम्पू करने के बाद आप जो आंवला एक दिन पहले गलाया हुआ है आपने, फिर आप उसके पानी से आप उसे पीस लें अच्छे से आंवले को, फिर उसके बाद में उससे आप अपने हेयर को वॉश कर लें जिससे कि आपके जो हेयर हैं वो डैमेज नहीं होंगे एंड चमकेंगे आपके बाल, चमकदार हो जाएंगे, एकदम सिल्की शाइनिंग हो जाएंगे, सिल्की शाइनी हो जाएंगे। तो टिप्स नंबर थ्री, अब बात करते हैं हम स्किन के लिए। अगर आप अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं कलर से कि आपकी स्किन अगर खराब ना हो, क्योंकि हम जब होली खेल के जब हट जाते हैं तो हमारी स्किन में जाता है, मेरे साथ तो होता है, अगर मैं अपनी स्किन पर वो चीज ना लगाऊं तो जगह जगह धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, कलर जगह जगह फंस जाता है और वो जल्दी से निकलता भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले होली खेलने से पहले आप अपने अपने फेस पर इस तरीके का मॉइस्चराइजर लगाएंगे जो ऑयली हो, जैसे पॉन्ड्स की क्रीम भी है वो ऑयली होती है, आप वो लगा सकते हैं, ज्यादा सी लगाना ताकि वो जल्दी से स्किन के अंदर कुछ तो ऑब्जर्व भी हो जाए एंड फेस के ऊपर भी रहे आपके। और हाँ, अगर आपके पास वो नहीं है उस टाइम पर तो वैसलीन लगा सकते हैं, अगर वैसलीन भी नहीं है तो आप मलाई का यूज कर सकते हैं। टिप्स नंबर फोर, अगर आपके स्किन पर थोड़ा बहुत भी कलर रह भी जाता है तो आप दही से मसाज कर सकते हैं, दही से अच्छे से मसाज करना एंड गुनगुने पानी से वॉश कर लेना। जैसे कि मैंने आपको पहले बालों के लिए भी बताया है कि अगर आप ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो वो कलर चिपक जाता है और ज्यादा, इसलिए आप गुनगुने पानी का यूज करना फेस के लिए भी, तो फिर गुनगुने पानी से वॉश करना है जिससे कि वो कलर अच्छे से निकल जाए। नंबर फाइव, आप केले को ले सकते हैं कलर निकालने के लिए। केले को मैश करना है, उसके अंदर थोड़ा शहद मिलाना है एंड दूध मिलाना है उसके अंदर, थोड़ा थोड़ा थिक सा पेस्ट बन जाए, ज्यादा थिक भी नहीं एंड ज्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, फेस पर टिक जाए ऐसा बनाना है आपको पेस्ट, और उसको फेस पे लगाना है एंड सूखने के बाद उसको धीरे धीरे करके स्क्रब करके छुटा देना, गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है जिससे कि आपका कलर निकल जाएगा एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी मिल जाएगा, आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स, लेकिन हाँ, खेलने से पहले ये चीज जरूर याद रखना कि वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आप गले लगेंगे दूसरे के, हैंड शेक भी करेंगे जिसकी वजह से आपको वो वायरस होने का खतरा रह सकता है। कोशिश करना दूर से होली खेलें एंड सूखे कलरों से होली खेलें, क्योंकि आप पानी से होली खेलेंगे या फिर गीले कलरों से होली खेलेंगे तो उस वायरस का फैलने का खतरा बढ़ सकता है। तो सावधानी से होली खेलें इस बार, कोरोना वायरस का खतरा बढ़ सकता है क्योंकि, इसलिए। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।